अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सूफियाना अमल। क्या आप सिर्फ़ एक दिन में 10 मुहर्रमुल हराम को जो है आप सूरह यासीन शरीफ के आमिल बनना चाहते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम आपको मुकम्मल तरीक़ा बताएंगे। सूरह यासीन शरीफ के आमिल आप सिर्फ़ एक दिन में बन जाएंगे, अल्लाह ने चाह तो इसके ज़रिए से आप मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं। कि रिस्क में तंग दस्ती है, गुरबत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो रब ने चाह तो इसके ज़रिए से आपकी तंग दस्ती ख़त्म हो जाएगी, गुरबत वाली ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाएगी। या आप जादू टोना जन्नात आसे भूत परे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आप किसी का इलाज करना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम कामों में जो है ये बहुत ही कार आमद है। सूरह यासिन शरीफ आप 72 मरतबा पढ़ लीजिएगा। पढ़नी कब से कब तक है वो उसका पूरा टाइम मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ पूरी तफसील के साथ। बहुत ही प्यारा खूबसूरत वीडियो है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। जैसे ही 9 मुहर्रम ख़त्म हो, मगरिब की अज़ान हो, तो मगरिब की नमाज के बाद से लेकर के जो है आपको कल मगरिब तक यानी कि 10वीं मुहर्रम की शाम तक, मगरिब से पहले पहले तक आपको जो है यासीन शरीफ को पढ़ लेना है। अगर एक बैठ में पढ़ लें बहुत अच्छी बात, वरना तो दो तीन टाइम में भी करके आप पढ़ सकते हैं। पहले आपको 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, फिर सिर्फ 72 मरतबा 72 टाइम आपको जो है पढ़ना है सूरह यासीन शरीफ को। 24 घंटे के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। फिर आप इस अमल के आमिल एक साल तक के लिए बन जाएंगे। इस अमल को काबू में रखने के लिए रोज़ाना आपने जो है एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ को पढ़ना है, इंशाल्लाह अमल आपके काबू में रहेगा। जादू जन्नात भूत प्रेत आसेब शैतीन के इलाज के लिए बहुत ही कार आमद है। इलाज में जो है आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। रिस्क की तंगी है, गुरबत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए बहुत ही कार आमद है। अगर आता है जो बीमार है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी पढ़ करके आप दम करके दीजिएगा, इंशाल्लाह उसको भी शिफा मिलेगी। बेहतरीन कामयाब खास पावरफुल मुजर्रब है, ज़रूर आजमाएं, फ़ायदा उठाएं। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो सवाब की नियत से जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।